हमारे भीत का दिया हुआ घोट पर्वत उठता चमका रहा है। इसलिए दोस्तों किसी से डरने और घबराने की बात नहीं है। वो कहा चीजें कहा है वो सत्य हम नहीं जो सांपों से टूट जाएगा, हवाओं से कहो अपने औकात को नहीं। इसलिए दोस्तों किसी तरह से कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों को मजबूती के साथ उस चीज दिखा देना है, वो एहसास करा देना है, अपनी मजबूती दिखा देनी है ना। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे और बिहार में एक मजबूत हिस्सेदारी अपना लेंगे। इसलिए ये उनसे पूर्व पार्टियों से मैं कहना चाहूंगा कि कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल गरज गया तो कहां ऊंची पाएगा, समझ रहे हो साहब। इसलिए हम लोग बंकी बार बरसात बोलेंगे उनको नंगा कर देना है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम कुछ नहीं हमारे बिना, हम हैं तब तुम हो। इसलिए डरने और घबराने की बात नहीं है मेरे भाई, सब लोगों को मिलजुलकर एक जयती का पैगाम देना है। AIMI ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिमों को मजबूत करनी है और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़नी है। जो हमारे बुजुर्ग इधर उधर भटक रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बताना है कि हम लोगों के हक की लड़ाई हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, रोहिणी ओवैसी साहब लड़ रहे हैं और हम लोग का साथ देने के लिए पंडित मनमोहन झा जैसे ग्रामीण जैसे लोग भी हम लोगों के साथ खड़े थे, आज रंजीत जैसे लोग भी हमारे साथ आए हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह ताला लोग जुड़ेंगे और ये जात की पार्टी नहीं, हमारी जमात की पार्टी है। हम अपने जमात को मजबूत करेंगे और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जो पार्टी हम लोग को इस्तेमाल की है, जो मरहूम साहबुद्दीन जैसे लोगों का नहीं हुआ, जो चार बार के सांसद रहे और ये नौवां फेल लड़का तेजस्वी यादव, ये कहता हमारे मुख्यमंत्री बोलूंगा का भाई, हम लोगों के पास इतने बैरिस्टरों की आबादी है, हम लोगों के पास वकीलों की आबादी है, डॉक्टरों की आबादी है, हम मैंने सहाबुद्दीन साहब का लड़का विधायक भी नहीं बने, आप मुख्यमंत्री बनिएगा। वोट 20% हमारा पास है, आप 11% वाले आप मुख्यमंत्री बनिएगा। हिंदुस्तान में आप जो है बिहार में जो 2 सीट दिए हैं जहां से भाजपा लगातार 15 साल से चुनाव जीत रही है, आप दिखाने के लिए देख रहे हैं आप मुसलमान को जो है टिकट देते हैं, तो वो सब छल